झरना घुमाएंगे। हिरन देखो, हिरन हिरन देखो गाइस, अब कैमरे में तो शायद नहीं आएगा पर हमें काफी दूर पर एक हिरन दिखाई दिया है। देखिए आपको हिरन देखो घास चरते हुए नजर आएंगे। देखिए हिरन हिरन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए भाग रहा है। ये देखिए भागा। क्या बहुत ही बड़ा झरना है मेरे उम्मीद से भी बढ़कर। हाय गाइस, अभी मैं हूँ पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो झरनों का और झीलों का शहर है। ओके, जो झीलों का जिला है वहाँ पर हूँ मैं। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट के पास में ही थोड़ी ही दूरी पर खजुराहो रोड पर एक झरना है जिसका नाम है गाथा स्नेह वाटरफॉल। और गाथा स्नेह वाटरफॉल हजारों फीट से ऊपर से नीचे गिरता है। काफ़ी बड़ा ये झरना है और जंगल के अंदर है। तो एक पगडंडी वाला रास्ता उस झरने के लिए जा रहा था। हम वहाँ से जैसे ही एंटर हुए हमें दो घर दिखाई दिए और उसके बाद आगे पूरा सुनसान कुछ नहीं है। तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने रास्ता बताया हमें गाथा स्नेह वाटरफॉल के लिए। ये देखिए उन्हीं के घर के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर ये आपको घर दिख रहा है। तो उन्होंने रास्ता बताया, हम थोड़ी दूर आगे गए तो हमें कुछ जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर दिखाई दिए। तो फिर हमें थोड़ा डर लग गया। तो अब हम वापस आए तो ये अंकल से हमने रिक्वेस्ट किया है, वो अभी हमारे साथ चलेंगे और हमें गाथा स्नेह वाटरफॉल दिखाएंगे जो कि यहाँ से करीब में ही है। तो आइए अब चलते हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको बहुत मजा आएगा और गाथा स्नेह वाटरफॉल आपको देखने मिलेगा जो कि बेहद सुंदर है। तो गाइज चलिए अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं और ये आज हमारे सारथी हैं। ये हमें झरना घुमाएंगे। देखो गाइज, अब कैमरे में तो शायद नहीं आएगा पर हमें काफी दूर पर एक हिरन दिखाई दिया है। ये देखिए गाइज, आपको हिरन दिखाते हैं। देखिए आपको हिरन देखो घास चरते हुए नजर आएंगे। देखिए हिरन हिरन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए भाग रहा है। ये देखिए भागा। क्या बात है। आहा, कितने सारे भाग रहे हैं। देखिए वाह, खूब सारे, काफी सारे हिरन है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमें हिरन भी दिखाई दिया, जंगली सुअर भी दिखाई दी। और अब यहाँ से ये जो रास्ता है ये रास्ता हमें वाटरफॉल की ओर लेके जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं वाटरफॉल की। ये देखिए बहुत बढ़िया ये जगह है। और लक्ष्मण सर का कहना है, यादव जी का, कि झरना कितना फीट है? 800 फीट गहरा झरना है गाइस। ये मेरे लाइफ का अब तक का दूसरा, मतलब सबसे बड़ा झरना, इसके जिले में सबसे बड़ा झरना, सबसे बड़ा झरना है पन्ना जिले का। ये सबसे बड़ा झरना है। तो गाइस हम स्नेह गाथा वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं और ये झरना जो देखिए सामने आपको अब खाई नजर आएगी। ये देखिए खाई देखिए। यहाँ से हमें ये झरना दिखाई पड़ता है गाइस। अभी तो पानी कम है पर बारिश में क्या दिखता होगा यार। 800 फीट से गिरने वाला ये झरना अपने आप में एक बेहद खूबसूरत है। बहुत सुंदर ये झरना है। ये देखिए गाइस। तो गाइस देखिए, ये बहुत ही बड़ा झरना है मेरे उम्मीद से भी बढ़कर। ऐसा झरना जो है, मैंने काफी सारे झरने देखे। हर झरने में मैंने बोला है कि ऐसा झरना मैं पहली बार देख रहा हूँ। सच में गाइस, पन्ना के हर झरने अपने आप में एक बहुत खूबसूरती शो करते हैं। ये देखिए 800 फीट से गिरता हुआ झरना है, कितनी बड़ी ये खाई है। और अगर कभी आना हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर बारिश में आने की कोशिश करेंगे, तब तो बहुत सारा पानी गिरता होगा। काफी क्या बोले, यहाँ से भी गिरता है। अच्छा, पूरा भयानक, मतलब बहुत बड़ा दिखता होगा ऐसा, काफी फैला हुआ वाटरफॉल दिखता होगा। अच्छा, मतलब जब नीचे ज्यादा तेजी से गिरता है ना, तो जी ऊपर आता है और धुआंधार पानी, धुआं टाइप पानी यहाँ पे गिरता है। देखो गाइस, बहुत जबरदस्त ये वाटरफॉल है, मुझे बहुत पसंद आया गाइस। पन्ना एक बार आप आइए, मध्य प्रदेश में जबलपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ। और पन्ना ये झरनों का शहर है और यहाँ पर बहुत सारे झरने। हमारी लिस्ट में तो 3 से 4 ही झरने हैं पर यहाँ पर मैंने पूछा तो सर बोले आप घूम नहीं सकते, इतने सारे झरने यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ से देखिए, एक वहाँ से उधर भी एक झरना गिर रहा है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब सभी तरफ काफी सारे झरने और बड़ी बड़ी ये झील यहाँ पर ये बनी है, काफी सारी खाई बनी है। बहुत जबरदस्त है गाइस, बहुत जबरदस्त है। मैं थोड़ा आपको झूम करके पूरा इसका व्यू देता हूँ एक। ये देखिए, ये झरना वहाँ से आता है और ये देखिए, अब समझ में आ गया आपको कि ये कितना ऊंचा होगा।
फिर से एक बार क्या करते हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बहुत जबरदस्त झरने हैं। एक तो बैड लक है कि वहां तक जाने का रास्ता नहीं है, नहीं तो ये झरना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो आइए अब हम आपको यहाँ की खाई दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, वाव, ये देखिए दरार, देखिए ये दरार, देखिए कितनी बड़ी ये दरार है, वाव रे। ये आप देख सकते हैं खाई कितनी गहरी है, जबरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये नज़ारा गाइस, बहुत सुंदर। दुनिया की खूबसूरत मतलब बोलते हैं ना, अगर जन्नत यही है, जन्नत कही है तो वो यही है, यही है, यही है बस, और क्या। तो देखिए गाइस कितना बड़ा ये झरना है, और ये टॉप मोस्ट झरनों में से है पन्ना के। यहाँ पर आइए, और अगर पॉसिबल है तो आप बारिश में आइए, ठीक है, क्योंकि बारिश में सभी तरफ से पानी गिरता है, जब पानी गिरता है ना नीचे तो उसका जो धुआंधार ऊपर उड़ता है। और लिटरली मैं बताऊँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और झरना हमसे 200 मीटर दूरी पर है, उसके बाद भी उसका पानी जो उड़ता है ऊपर, उसका जो धुआंधार बनता है, उससे यहाँ पर खड़ा बंदा गीला हो जाता है। इतना पानी यहाँ पर होता है, इतनी स्पीड में पानी नीचे गिरता है, इतना सारा पानी नीचे गिरता है। दोस्तों एक बार आप ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए, पन्ना घूमिए, पन्ना झरनों के लिए, झीलों के लिए और हीरे के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हीरे की खदान है। और अभी बीच में क्या हुआ कि हम जब एक नदी का पुल क्रॉस कर रहे थे, तो कुछ लोग रेत छान रहे थे नदी की, बहते हुए पानी की, तो हमें पता चला कि वो हीरे ढूंढते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है उन्हें हीरे मिलते नहीं 6-6 महीने तक, और एक बार जब मिल जाता है तो लोग, दोस्तों ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि इतना सा हीरा 10-10 लाख रुपए में बिकता है, जो बहुत महंगा होता है। दुनिया का सबसे मशहूर पन्ना का हीरा इस पन्ना शहर में मिलता है, हीरे पर भी, पर ही इस शहर का नाम है, और साथ में ये झरनों का और झीलों का शहर है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी ब्लॉगिंग आपको पसंद आई है, ये जो प्लेसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अगर पसंद आ रहा है, तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल में अगर पहली बार है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम और भी झरने देखेंगे और आपको दिखाएंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।